नेपाल में एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर वहां की नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर उसे प्रेम जाल में फंसाकर उत्तराखंड भगा ले आया। यहां नैनीताल घोड़ाखाल मंदिर में उससे शादी भी रचा ली। बताया जा रहा है कि नाबालिग के परिवार की शिकायत पर नैनीताल व उत्तराखंड पुलिस के सर्च अभियान के बाद भीमताल के ढूंगशील से मुस्लिम युवक को पकड़ लिया गया है। 24 वर्षीय मोहम्मद इसराफिल अंसारी नेपाल के परसाबीरगंज का रहने वाला है। उसने वहीं की एक 16 वर्षीय किशोरी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। उसने लड़की को अपना नाम मुन्ना कुमार बताया। उसे प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के बहाने 11 दिसंबर को नेपाल से भगाकर उत्तराखंड ले आया। इधर जब नाबालिग लापता हुई तो परिवारजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। महीने भर बाद एक भारतीय नंबर से लड़की की मां के पास व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि लड़की को भूल जाओ। इसके बाद लड़की की मां ने पुलिस को इसकी सूचना दी। नेपाल के राजदूतावास की ओर से नैनीताल के एसएसपी को पत्र भेजा गया। इधर एसएसपी को मोहम्मद इसराफिल की उत्तराखंड के भीमताल में छिपे होने की जानकारी मिली। सभी ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और गत 6 मार्च को लड़की को भीमताल से रेस्क्यू कर लिया गया और अंसारी को भी पकड़ लिया गया। उसके विरुद्ध दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट व बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नाबालिग युवती ने टीम को बताया कि वो नेपाल के शिवपुरी की रहने वाली है। एक दिन इसराफिल अपना फोन घर में भूलकर बाहर चला गया था। तभी उसके एक रिश्तेदार ने फोन कर कहा कि मोहम्मद इसराफिल अंसारी से बात कराओ। इससे पहले लड़की को उसका नाम मुन्ना कुमार पता था।